हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू बनारस। और आज मैं आपको बनारस का पूरा टूर दिखाने वाली हूँ, पूरा तो नहीं, आधा टूर दिखाने वाली हूँ। ये बनारस के गंगा घाट की बाहर की तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हो कि बादल वगैरह कैसा भी दिख रहा है। और ये मतलब आप तस्वीरें देख सकते हो, वीडियोज़ में देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। और बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, वहाँ की पेंटिंग्स इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैं बता नहीं सकती। तो और जो लोग जानते हैं, बनारस में रहते हैं, तो ज़रूर जानते होंगे कि बहुत बनारस में भीड़ होती है। और ख़ासकर ये बनारस गंगा घाट पे वहाँ की भीड़ तो मतलब क्या ही बोले। तो चलिए छोटी सी रेसिपी है, देख लेते हैं। यहाँ पे मम्मी दूध रखा था, दूध फट गया, तो यहाँ पे मम्मी ने प्याज और मिर्च डाल के उसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक रेसिपी बनाई है, जो कि पूरी ट्यूटोरियल रेसिपी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मम्मी ने यहाँ पे प्याज मिर्च और फटे हुए दूध, और जो फटे हुए दूध से जो छीना निकलता है ना वो, और जो बेसन, सारी चीज़ों को मम्मी मिक्स करेंगी। तो यहाँ पे छोटा चम्मच यहाँ पे हम ले लेंगे हल्दी, ठीक है, और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और ज़रूर बताइएगा कि बनारस का आधा टूर कैसा लगा। अगर फुल टूर देखना है ना, तो अगले वीडियो में या फिर उसके अगले वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी है शायद, जो लोग फ़िश खाते हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि फ़िश करी की भी वीडियो आने ही वाली है, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डेढ़ चम्मच यहाँ पे मिक्स मसाला लिया है। तो देख सकते हैं, इसको पूरा अच्छे से मिक्सअप कर लिया है हमने, देख सकते हैं। जैसे इसको पूरा मतलब गूंथ देना है, जिससे हल्के हाथों से डो तैयार करना है इसका, देख सकते हैं, पानी लगाकर ही डो तैयार करना है, ठीक है। और बिल्कुल ही ऐसा मतलब टेक्सचर रखना है कि मतलब हाथों में चिपचिपे ना, लेकिन थोड़ा सा भी मतलब टेक्सचर होना चाहिए कि हाथ एकदम गोला, मतलब गोला बन जाना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे मम्मी ने नमक डाला है, उसको मिक्स किया है, और मिक्सअप करके मम्मी ने इसको कवर अप कर दिया, ताकि 10-15 मिनट के बाद अच्छे से फूल जाएगा, तो इसकी जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब चलते हैं अपने गैस की ओर। कढ़ाई को गर्म किया, तेल को गर्म किया, और अब देख सकते हैं कि तो देखिए, अपने मन चाहे पीसेस में आप कर सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल पसंद हो वो स्टाइल से आप इसको चाहे बॉल्स बना के ले लीजिए, चाहे कुछ भी, ठीक है। अपने अगर आपको बॉल्स नहीं पसंद है तो कोई और स्टाइल से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस ऐसा रखना है कि तेल में रखे तो फूटे ना, बस ऐसे मतलब ऐसा रखना है, और अच्छे से गोला भी बन जाए, बबल्स जो है वो बन जाए। तो ये देखिए, मम्मी ने छोटा छोटा बबल्स बना के यहाँ पे तेल में भून रही हैं इसको, तो देख सकते हैं। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, इसको टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल दाल के भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे उलट पलट के देख सकते हैं कि एक साइड से जब पक जाएगा तो दूसरे साइड को हम अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। ये तो बात आप भी जानते हैं, कोई भी अगर आप प्याज भी ले लीजिए, मतलब वो भी मतलब ऐसे ही होता है ना, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा उससे अलग होता है, इसमें हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा होना चाहिए कि इसका गोला बन जाए, ठीक है, इसका जो है वो गोला बन जाए, मतलब बबल्स, ठीक है, और ये फूटे ना। तेल में जैसे रखेंगे तो काफ़ी होता है ना कि मतलब कट्स लग जाते हैं, तो कट्स नहीं लगना चाहिए, वरना जो हमारी ये तो ये दूध के छीने से जो पकौड़ा रेसिपी है वो हमारी जो है वो टूट जाएगी। इसीलिए हमें इसको बनाते समय बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ऐसा होना चाहिए कि बबल्स, मतलब जो मम्मी बबल्स तैयार कर रही हैं, तो वो जब तेल में जाएगा वो टूटे ना, ठीक है, नहीं तो काफ़ी सारे होते हैं कि टूट। तो देख सकते हो ना कितना कुरकुरा बन के रेडी हुआ है, एकदम लग फ्लफी सा भी नहीं लग रहा है, एकदम कुरकुरा बन के रेडी हुआ है, देखने में भी यमी लग रहे हैं। तो ऐसे ही बनाकर खाइएगा अपनी फैमिली के साथ, तो कैसे लगे रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।